तो भैया एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो भैया आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगी कि मेरी जनवरी में ही इंटर्नशिप लग गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपडेट किया था। यूट्यूब पे मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं चाहता था कि पहले एक दो महीने हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैसे मुझे इंटर्नशिप मिली, क्या क्या मैंने स्टेप लिए थे और मैं किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। जिसको नहीं पता इस वीडियो में वो भी बता दूंगा, बट थोड़ा रुको, सबर करो, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन दिखाना है मुझे, तो आराम से बैठ के दिखाऊंगा मैं आपको, सबको बताऊंगा बाद में, ठीक है। पता नहीं क्यों आ रही है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक मैं पहले नहा लूँ, पूजा कर लूँ। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है खाने की, फिर आज शिफ्ट भी है 2 बजे से, तो हो सका तो सबवे भी बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप मैंने फॉलो करे, क्योंकि और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए। भैया एक सिंगल रूम है जिसमें मैं रहता हूँ, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रखा जिन्होंने, थैंक यू वेरी मच, और उनको पता है कि मैं एक सिंगल रूम में रहता हूँ, मेरा दोस्त रहता है और एक और है जो छोटा सा रूम है, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखी अपार्टमेंट वाली, वो भी देख लेना। किसी के पास अगर कोई अपार्टमेंट हो 3 बंदों के लिए, मतलब 2 BHK भी चलेगा, 3 BHK भी चलेगा, ठीक है, तो भाई बता देना कमेंट करके, किसी के पास भी हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक। भाई एक नंबर का ऐसा देश है, क्या बताऊँ मैं आपको। GoPro ऑर्डर करा था अमेजोन से, ठीक है, मोहित का नंबर डाला था उस पर क्योंकि मेरा कार्ड रजिस्टर नहीं कर रहा था, तो मोहित पाती है कॉल कल, वो बोलते हैं कि 200 यूरो कस्टम ड्यूटी के लगेंगे आपके। भाई 400 यूरो का कैमरा, 200 यूरो का मैं कस्टम ड्यूटी दे के क्यों मंगाऊंगा भाई कैमरा, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ या फेक कॉल थी, कुछ पता नहीं लगा इसका। अब तो मैंने कैंसिल ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अब ऑफलाइन ला के जाके लेके आएंगे जो भी है। बाकी अगर किसी को पता हो इस बारे में, किसी ने पहले मंगाया हो GoPro, तो भाई कमेंट करके बता देना कि आयरलैंड में ऐसा होता है नहीं होता, कि हम पे ही फेक कॉल आई थी बस, क्योंकि पता ही नहीं पड़ रहा है। 200 यूरो तुम पहले लिख के दो ना वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, लिखो या कुछ भी, लेकिन एकदम बाद में पता नहीं क्यों बताना होता है, मतलब पूरी इच्छा मार दी मेरी, है ना, मेरी पूरी वो मार दी कि मैंने कि हाँ भाई 3-4 तारीख को मेरा GoPro मेरे पास आ जाएगा, लेकिन एक दिन पहले मैसेज करके कह रहे हो, फोन करके कह रहे हैं। सच्चाई बताऊंगा, क्या सच्चाई, हाँ तू रहन दे बस, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं बाहर निकल के, अभी तीनों जा रहे हैं बाहर, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, हम दोनों की तो नौकरी है, मोहित पता नहीं कहाँ घूमने जाने वाला है, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैंने मोहित भाई को बोला कि दुनिया एप्पल का फोन लेते हैं, तुम्हारा भाई एप्पल ही कंपनी लेगा, तो मुझे टोंट मार रहा है मेरी पुस्तें बिक जाएंगी। भाई मैंने शेयर बाय करने की बात करी है भाई, वो तो कमबैक कर रहा है बस, कमबैक बैंक मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं रह गया था एकदम, सही बात बोल रहा है। देखो मुझे पता है मैंने क्या बोला था, ना 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 मान मत मार अब भाई, वो तुझे पता है जब तू चुप रहेगा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शांत से रहा है, नहीं मैं उसको देखने लगा था लड़की को जो बाज ऊपर आ और मैं खड़ी थी, मैं उसको देख के वो रह गया था चुप, हक्का वक्का। अपने हिसाब से आवाज आ रही हो ना रही हो बाद में चेक करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो भाई इंटर्नशिप यहाँ पे मिलती है आपको, यहाँ पे जितनी वेबसाइट है लाइक jobs.ie हो गई एक, लेकिन लिंक्डइन, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो। जब मेरा यहाँ आने का प्लान बना था, मैं वहीं से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, लाइक मतलब आपको डेली रिक्वेस्ट भेजनी है लोगों को, आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग होंगे आयरलैंड में, सिंपली आपको टाइप करना है, अगर आप डेटा एनालिटिक्स के हो तो आपको टाइप करना है डेटा एनालिटिक्स लिंक्डइन पे आयरलैंड, वहाँ पे फिल्टर लगाना है, प्यूपिल वहाँ पे कर देने, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगेंगे, आपको उनको फॉलो करना है ज़बरदस्ती, डेली अपनी आदत बांध दो यार, कम से कम आपको 10-15 लोगों को डेली रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। मेरा अभी लिंक्डइन में शायद 3-4 हज़ार लोग कनेक्टेड हैं लिंक्डइन पे, और ज़्यादातर आयरिश पीपल हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, सर्टिफिकेशन करो वहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग, हाँ मैं बताना भूल गया, तो जो लोग पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि भैया मैं डिजिटल मार्केटिंग करने आया हूँ, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग DBS से, डब्ल्यू बिजनेस स्कूल, और मुझे मेरी फील्ड में 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मे बी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे बहुत आसानी से इंटर्नशिप मिल गई, क्योंकि मेरा जो CV है, प्रोफाइल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं अपने आप को खुद नहीं मानता, बट ऐसा मेरे जो जब इंटर्नशिप लगी थी बोला था उन्होंने। और मेरे पास अगर मैं फुल टाइम की बात करूँ तो फुल टाइम के भी मेरे पास अब तक 3-5 कॉल आ चुकी हैं, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास 1G होना बहुत ज़रूरी है। 1G क्या है यहाँ पे, 1G मेरे ख्याल से
मेरे को इतना कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है ठीक है। मैं अभी इतने लफड़ों में पड़ता नहीं हूँ, जो चल रहा है मैं उसको एंजॉय करता हूँ बस। तो वनजी में भी वो है कि जब आपका कॉलेज पूरा हो जाता है तो आपको वनजी मिलता है मेरे ख्याल से, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट कर देना, गाली मत देना बस, ठीक है ठीक है। हाँ तो बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल। यहाँ पे लिंक्डइन से ही आपको जॉब मिलने वाली है, लिंक्डइन से ही आपको इंटर्नशिप, लिंक्डइन से ही आपको कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडीड, इंडीड यहाँ पे चलती है, ठीक है। मेरे को इंडीड से कॉल आई थी इंटर्नशिप की, बट इंडीड से मतलब कहते हैं लोग इंडीड सिर्फ आपका पार्ट टाइम के लिए बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर आप बात करें फुल टाइम या फिर इंटर्नशिप वगैरह की तो उसमें इंडीड आपका इतना काम नहीं आता, बट इंडीड भी एक अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। अब आती बाकी बात फिर रेफरेंसेज या आपकी मतलब कह लो कि आप मतलब आपका जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग से भी मिल जाती है इंटर्नशिप, बट मेरी यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं थी। मैंने लिंक्डइन के ही जरिए अपनी इंटर्नशिप ढूंढी। अब कैसे ढूंढी, सबसे बड़ी बात बताऊँ देखो, लोगों की गलत फहमी है ब्रांड के पास जाना। ब्रांड मतलब कि जैसे अमेजन हो गया आपका, बड़ी बड़ी कंपनी का अमेजन हो गई, एप्पल हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है। लोग इनके पीछे पागल हैं, ठीक है। आपको अपनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो भाई मैं पढ़ने में इतना, मैं बहुत बेकार, एवरेज बेकार भी नहीं हूँ, एवरेज इंसान हूँ, ठीक है। बट मेरे पे एक्सपीरियंस है तो मेरे को अपनी औकात पता थी कि हाँ भाई मैं बड़ी कंपनी में शायद ही कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में भी कोई बड़ा नाम नहीं है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने एक लिस्ट बनाई स्टार्टअप की जो आयरलैंड में स्टार्टअप थे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब हर छोटी से छोटी कंपनी आजकल डिजिटल है, जब से कोविड हुआ है हर कंपनी यहाँ पे डिजिटल है, यहाँ पे हर छोटी दुकान की अपनी वेबसाइट है। तो मैंने यही करा, मैंने यहाँ पे स्टार्टअप देखे, मैंने उनको पर्सनल मैसेज भेजे, ठीक है। तो फाइनली एक रिप्लाई आया मेरे पास और उसी रिप्लाई से मेरी इंटर्नशिप लग गई, ठीक है। जनवरी में लगी थी, मेरा बैच भी ख़त्म नहीं हुआ, दिसंबर में मेरा प्रोसेस चालू हुआ था और जनवरी में उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दी थी। मेरी 15th of January से शायद इंटर्नशिप चालू हो गई थी, 3 महीने की है, ठीक है। अब इंटर्नशिप यहाँ पे 2 तरीके की होती हैं, पेड और अनपेड, ठीक है। मेरी क्या है, मेरी अनपेड है, ठीक है। मैं इसमें कोई शर्माता नहीं, ठीक है भाई, कोई वो नहीं है इसमें, तो अनपेड इंटर्नशिप है, क्योंकि भाई देखो जो मिल रहा है ले लो, क्योंकि मेरे CV यहाँ पे जब आगे मैं लगाऊंगा फुल टाइम के लिए तो मेरे पास एक लोकल एक्सपीरियंस होगा, और जो उन्होंने मुझसे बोला है मुझे लगता तो है नहीं वो मेरे को मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट टाइम आप देख रहे हो, मैं 5-7 में से 4-5 दिन तो पार्ट टाइम पे रहता हूँ, ठीक है। मुझे ही पता है मैं कैसे सारी चीज़ मैनेज कर रहा हूँ, बट फिर भी उन्होंने मेरे को बोला है कि अप्रैल तक हम आपके साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सही लगती है तो हम आपको पार्ट टाइम ऑफर करेंगे, क्योंकि अभी आप कॉलेज में हो, उसके बाद जब आपका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तब आपको हम फुल टाइम ऑफर कर देंगे, ठीक है। उनका ये कहना है, वो बात की बात है, मेरे को मेरे सर्टिफिकेशन से मतलब है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी मुझे उस चीज़ से मतलब है, मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है, अगर कंटिन्यू करेंगे ठीक है, क्योंकि जो भाई इनके साथ रहा तो मैं फंस के रह जाऊंगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले बोल दिया कि हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे आपको। स्पॉन्सर का मतलब क्या है, इसका मतलब वो मेरे को 30,000 से नीचे की ही सैलरी देंगे, ये ऐसा उनका, इसलिए मेरे को मतलब इस वाली जॉब में दिक्कत है, इस वाली पार्ट टाइम वो इंटर्नशिप में, ठीक है। और इतना आसान, इतना हार्ड नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड में तो आपको बहुत ईजिली यहाँ पे मिल जाएगी, बाकी आपकी मेहनत, आपकी किस्मत। तो बस मैं यही कहूँगा भाई, देखो करते रहो जो भी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी वीडियो होगी होगी मेरे ख्याल से, तो बस ये था मेरा इंटर्नशिप का, मेरी भी कमर टूट गई, ठीक है भाई। आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ देखो डेली वीडियो में ला दूँ आपके लिए, लेकिन दिक्कत पता कहाँ आती है, एडिट करने में मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। मैं डेली शूट कर लेता हूँ बट एडिट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ अभी भी 10 बज रहे हैं, 10 बजने में भी मतलब 15 मिनट है, यहाँ से जाऊँगा थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो भाई सिर्फ बैड दिखाई देता है, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो अपनी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। जो लोग मेरे से कुछ पूछने जाते हैं इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके सब फॉलो करो, मैसेज करो, सबको रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा भाई बिल्कुल फ्री माइंड है भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, चलो भाई बाय।